झारखंड के धनबाद जिले में एक अस्पताल में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। धनबाद के चर्चित हादरा हॉस्पिटल में लगी इस आग के चलते डॉक्टर दंपति समेत कुल 5 लोग जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। आग की खबर पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अस्पताल से कुल 9 लोगों को जिंदा बचा लिया है। बताया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हालांकि अभी मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक धनबाद के हाजरा हॉस्पिटल में लगी इस आग में डॉ विकास हाजरा, उनकी पत्नी प्रेमा हाजरा, घर में काम करने वाली नौकरानी समेत कुल 6 लोग बुरी तरह जल गए। धनबाद के SSIP संजीव कुमार ने बताया कि यह अस्पताल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में चलता था और डॉ विकास हाजरा अपने परिवार के साथ यहीं रहते भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। जल्द ही आग पहले फ्लोर पर भी आ गई और डॉक्टर विकास हाजरा भी इसका शिकार हो गए। रात में आग लगने के कारण किसी को पता ही नहीं चल पाया और जब तक पता चला बढ़ चुकी थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम ठीक नहीं थे। एंटी फायर मशीन खराब थी। अस्पताल में गैस के कई सिलेंडर भी रखे थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया, वरना हादसा और भी भवाया हो सकता था। तो विकास हाजरा और उनकी पत्नी प्रेमा हाजरा अपने कामों की वजह से काफी मशहूर थी। उनके परिजन और मरीजों में शोक की लहर दौड़ गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।